क्वेश्चन है सीमा विधि के अनुप्रयोग का एक उदाहरण देते हुए अपने प्रायोज्य के भार संवेदन के लिए RL एवं DL ज्ञात करें। RL और DL सीमा विधि का अनुप्रयोग करते हुए हमें ज्ञात करना है। तो आइए और इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। सीमा विधि मनोदैहिकी के प्रयोग सीमा विधि का उपभोग सीमांत या फिर दैहिकी ज्ञात करने के लिए किया जाता है। सीमा विधि का नामकरण क्रेपिंग द्वारा 1891 में इसलिए किया गया था क्योंकि इस विधि में व्यक्ति अपने सामने उद्दीपक का उपस्थित किया जाना तथा वहां पर समाप्त हो जाता है जहां व्यक्ति उद्दीपक की तीव्रता के उस सीमा में पहुंच जाता है जहां वह अपने निर्णय में परिवर्तन स्पष्ट रूप से कर लेता है। इस विधि द्वारा RL और DL ज्ञात करने में उद्दीपकों को दो श्रृंखलाओं में व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है, आरोही श्रृंखला और अवरोही श्रृंखला। आरोही श्रृंखला में उद्दीपक की तीव्रता की शुरुआत ऐसे बिंदु से की जाती है जहां प्रयोज्य उद्दीपक का प्रत्यक्षण नहीं कर पाता है। धीरे धीरे उसकी तीव्रता को बढ़ाया जाता है और जहां पर स्पष्ट उसका प्रत्यक्षण कर लेता है उसी श्रृंखला में फिर आगे प्रयास नहीं दिया जाता है। उसके बाद फिर अवरोही श्रृंखला प्रारंभ हो जाता है जिसमें पहला प्रयास में उद्दीपक इतना तीव्र होता है कि उसका स्पष्ट ज्ञान व्यक्ति को होता है। धीरे धीरे उद्दीपक की तीव्रता कम की जाती है जहां पर व्यक्ति को उद्दीपक की उपस्थिति का ज्ञान नहीं रहता है। उससे आगे फिर प्रयास उसी श्रृंखला में नहीं दिए जाते हैं। इसके बाद आरोही श्रृंखला प्रारंभ होती है जिसके बाद फिर आरोही श्रृंखला अवरोही आती है। इस तरह से बारी बारी से आरोही तथा अवरोही श्रृंखलाओं में व्यक्ति का निर्णय प्राप्त किया जाता है। इस विधि में RL DL ज्ञात करने के लिए प्रत्येक प्रयास में उद्दीपक के न्यूनतम मात्रा में परिवर्तन करके व्यक्ति के सामने उसे उपस्थित किया जाता है। यही कारण है कि गिलफोर्ड ने इसे न्यूनतम परिवर्तन विधि भी कहा है। इस विधि को न्यूनतम गेय विधि भी तथा क्रमिक खोज विधि भी कहा जाता है। इस विधि में RL ज्ञात करने के लिए एक तालिका दी गई है। इस तालिका में सीमा विधि द्वारा ध्वनि तीव्रता के लिए RL ज्ञात करने से संबंधित आंकड़ों को फिर उसके आधार पर RL परिकलन को दिखलाया गया है। अभी आप नीचे चित्र में देख ही रहे होंगे, इसमें आरोही श्रृंखला का माध्य जो है वो 6.5 प्लस 7.5 प्लस 8.5 प्लस 6.5 प्लस 7.5 बाई 5, क्योंकि हम माध्य ज्ञात कर रहे हैं तो टोटल नंबर को जोड़ के और जितनी संख्याएं लेते हैं उससे हम भाग देते हैं उससे हमारा माध्य निकल जाता है और ये माध्य 7.3 आता है। उसके बाद अवरोही श्रृंखला का माध्य भी हमारा वैसे है 6.5 प्लस 8.5 प्लस 9.5 प्लस 7.5 प्लस 7.5 बाई 5 इज इक्वल टू 39.5 बाई 5 यानी 7.9 आ रहा है। RL निरपेक्ष सीमांत हमारा कितना आ रहा है, 7.3 प्लस 7.9 बाई 2 इज इक्वल टू 15.2 बाई 2 इज इक्वल टू 7.6 आ रहा है हमारा। तालिका में ध्वनि तीव्रता की इकाई काल्पनिक है जो 1 से 14 तक है। इकाई एक न्यूनतम तीव्रता तथा संकेत न्यूनतम तीव्रता का संकेत करता है तथा इकाई 14 अधिकतम तीव्रता की ओर संकेत करता है। तालिका में हाइफन द्वारा ध्वनि न सुनने की अनुक्रिया को दिखलाया गया तथा प्लस ध्वनि को स्पष्ट सुनने की अनुक्रिया को दिखलाता है। 5 आरोही श्रृंखला है तथा 5 अवरोही श्रृंखला है जिनमें श्रृंखला के नीचे ठीक से उसका सीमांत मान ज्ञात करके लिखा गया।
सीमा विधि में दो सतत त्रुटि भी होते हैं, अभ्यसन त्रुटि और प्रत्याशा त्रुटि। अभ्यसन त्रुटि में प्रायोजक को एक निश्चित अनुक्रिया करने की आदत सी बन जाती है, हालांकि उद्दीपक की तीव्रता में इतना स्पष्ट परिवर्तन हो जाता है कि उससे अनुक्रिया न कर दूसरी अनुक्रिया करना चाहिए था। जैसे आरोही श्रृंखला में प्रायोजक को बार बार हाँ कहने तथा आरोही श्रृंखला में बार बार नहीं कहने की आदत हो जाती है, उसके कारण उसके निर्णय में अभ्यसन त्रुटि होता है, जिसका परिणाम यह होता है कि आरोही श्रृंखला प्रत्याशा त्रुटि अभ्यसन त्रुटि के ठीक विपरीत होता है। इसमें व्यक्ति अपनी अनुक्रिया में परिवर्तन थोड़ी जल्दी इस उम्मीद से कर लेता है कि उम्मीद के उद्दीपक की तीव्रता में परिवर्तन हो ही गया हो। इस त्रुटि का अस्पष्ट प्रभाव यह होता है कि आरोही श्रृंखला का माध्य आरोही श्रृंखला के माध्य से अधिक होता है। इसका जो डीएल है वो कितना होगा, आर एल, क्योंकि हमने आर एल ज्ञात किया है तो 6.5 होगा। उसके बाद जब हम डी एल ज्ञात करने का बारी आता है तो इसमें भी हम एक तालिका बनाते हैं, तालिका के अनुसार हम डी एल को ज्ञात करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है खास करके देखना जानना। एक तरह का उद्दीपक वह होता है जिसके प्रत्येक प्रयास में प्रायोज्य के सामने बदल बदल कर रखा जाता है, ऐसे उद्दीपक को तुलनात्मक उद्दीपक या संक्षेप में C0 कहा जाता है। तालिका में C0 की संख्या 11 है, जो 75 से लेकर 125 ग्राम के परास में है। दूसरे तरह का उद्दीपक वह होता है जिसका मान हमेशा एक समान बना रहता है। इस तरह के उद्दीपक को मान उद्दीपक की संज्ञा दी जाती है, जो संक्षेप में एस का आ जाता है। तालिका में मानक उद्दीपक 100 ग्राम का है, प्रत्येक प्रयास में एसटी तथा C0 दोनों ही व्यक्ति के सामने रखा जाता है, जिससे बारी बारी से उठाकर यह बताना होता है कि C0 मानक उद्दीपक अर्थात ST की तुलना में बराबर हल्का भारी है। उत्तर बराबर मिलने में तालिका में बराबर का चिन्ह हल्का मिलने पर माइनस तथा प्लस भारी मिलने पर प्लस का चिन्ह दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप पहले श्रृंखला में आरोही क्रम में लिया जाए तो पहला प्रयास C0 75 ग्राम का है, जिसे 100 ग्राम के साथ उपस्थित करने पर C0 को ST की तुलना में हल्का बतलाया गया है। इसके उत्तर को माइनस चिन्ह द्वारा संकेतित किया गया है। दूसरे प्रयास में C0 80 ग्राम का है तथा ST की तुलना में हल्का समझता है, फलतः इसके उत्तर को माइनस द्वारा चिन्हित किया है। जब 100 ग्राम C0 को 100 ग्राम ST के सामने व्यक्ति के सामने दिया जाता है तो C0 ST के बराबर समझता है, जिसे बराबर चिन्ह की तालिका में दिखलाया गया। और वही श्रृंखला में पहली बार व्यक्ति जब हल्का से बराबर में परिवर्तन करता है तो निचली सीमांत कहा जाता है। पहली आरोही श्रृंखला में निचली सीमांत 97.5 है, क्योंकि व्यक्ति अपना उत्तर 95 ग्राम तथा 100 ग्राम के बीच में ही परिवर्तन किया है, जिसका माध्य 95 प्लस 100 बटा 2 इक्वल टू 97.5 है। श्रृंखला में वह जब अपना दूसरी बार बराबर के में भारी में परिवर्तन करता है तो ऊपरी सीमांत कहा जाता है। इस श्रृंखला में ऊपरी सीमांत है, क्योंकि व्यक्ति अपना उत्तर 105 ग्राम तथा 110 ग्राम के बीच ही परिवर्तन किया है, अतः इसका माध्य हो जाएगा 107.5 ग्राम। आरोही क्रम के ठीक विपरीत होता है, जब पहली बार व्यक्ति अपनी
भारी के बराबर परिवर्तन करता है तो ऊपरी सीमांत जो होता है उसका आरोही श्रृंखला 102.5 है। उसी तरह जब दूसरी बार व्यक्ति जब बराबर घात का परिवर्तन करता है तो निचले सीमांत होता है और आरोही श्रृंखला में 92.5 है। तालिका को गौरपूर्वक देखने पर यह स्पष्ट हो जाता है व्यक्ति द्वारा दिए गए उत्तरों को तीन भागों में बांटा जा सकता है। ऊपरी भाग, निचले भाग तथा बीच का भाग। ऊपरी भाग में भारी होने का निर्णय अर्थात प्लस का निर्णय तथा निचले भाग में हल्का होने का निर्णय अर्थात माइनस का निर्णय तथा बीच के भाग बराबर का निर्णय। बीच के भाग को अनिश्चितता का अंतराल कहा जाता है, जिसे संक्षेप में आयु भी कहा जाता है। ज्ञात किए जाने वाला डीएल इसी आयु का आधा होता है। 5 ग्राम का डीएल से ऊपरी सीमांतों का मान 106 तथा निचले सीमांतों का मान 96 है। इन माध्यों का अंतर आयु कहलाता है। दो से भाग देने पर डीएल प्राप्त हो जाता है। तालिका में डी में 5 है, 5 ग्राम का डीएल। इस बात से पता चलता है कि व्यक्ति C0 तथा ST का अंतर ठीक ठाक प्रत्यक्षण कर पाता है। तो इसमें जो डीएल है 5 और आरएल जो था वो हमारा 6.7.6 था। तो याद रखिएगा आरएल और डीएल। और उम्मीद है आपको समझ में जरूर आया होगा और जो तालिका सामने दिख रहा है इसको हमेशा याद जरूर रखिएगा।